जय दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं सागर और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का लेक्चर दोस्तों, और रीजनिंग का दोस्तों पहला चैप्टर है दोस्तों डाइस, यानी कि पासा दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आना है दोस्तों, ये लाजमी है। तो दोस्तों और हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते हैं दोस्तों तो अपना ये रेगुलरिटी आप बनाए रखिए दोस्तों। मैं रीजनिंग और मैथ का दोनों दोस्तों लेक्चर मैं लेके चल रहा हूँ दोस्तों। मैं पिछले 6 सालों से कॉम्पिटिशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पहले सेलेक्ट करूँगा जो आपके एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि जैसा है पासा। दोस्तों जो पासा होता है डाइस में दोस्तों, आपको पता है कि 6 सतहें होती है दोस्तों। 6 सतहें दोस्तों आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर हम 6 सतहें दोस्तों बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये आपका एग्जैक्टली बन गया दोस्तों पासा। दोस्तों पासा जिसे हम कह सकते हैं, लूडो भी कह सकते हैं दोस्तों, इसमें 6 सतहें होती है। कितनी सतहें होती हैं? 6। दोस्तों पासा जो होता है, 2 पासा होता है, 1 पासा होता है दोस्तों मानक पासा होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों वो आपका साधारण पासा है। बहुत ही आसानी से दोस्तों समझना, मानक पासा क्या होता है दोस्तों और साधारण पासा क्या होता है। मानक पासा में दोस्तों किसी भी 2 सतहों का योग दोस्तों 7 नहीं होता है दोस्तों। कितना नहीं होता है? 7 नहीं होता है। और साधारण पासा क्या होता है दोस्तों? किसी भी 2 सतहों का योग दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है दोस्तों? 7। अब दोस्तों अब इसको हम याद कैसे करेंगे, मानक कौन सा है और साधारण कौन सा है दोस्तों? 7 से 200 साधारण होता है और 7 से आपका 7 होता है। बिल्कुल आसान तरीका है एकदम, बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। जिन 2 फलकों का योग अगर दिखने पर 7 हो जाए तो उसे हम साधारण कहेंगे, अगर 7 नहीं होगा दोस्तों उसे हम मानक पासा कहेंगे दोस्तों। विपरीत सतह का भी रूल ऐसा ही होता है, बट हम एक ही नियम लेकर चलेंगे जिससे हमको समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए हम दोस्तों पासा 2 हो गया, पहला मानक हो गया, दूसरा दोस्तों क्या हो गया? साधारण हो गया। तो दोस्तों हम मानक और साधारण समझ सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कि जो आपका लूडो होता है, पासा होता है, उसमें 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 दोस्तों कहेंगे भाई 6 अंक ही क्या दोस्तों, 6 पॉइंट भी आपको दे सकता है दोस्तों। ऐसे आपको वहाँ पर दोस्तों क्या दे सकता है? पॉइंट भी दोस्तों दे सकता है। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि यही हो, यहाँ पर आपका ABCDEF XYZ कुछ भी दे सकता है दोस्तों, ये पासा है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पासा के बारे में बिल्कुल शुरुआत से लेकर पूरा लास्ट तक लेके चलना है। जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही चीज़ कवर करेंगे हम। तो दोस्तों मानक पासा है और ये साधारण पासा है। मानक पासा में किसी भी 2 सतहों का योग दोस्तों कितना होता है? 7 नहीं होता है। और साधारण पासा में दोस्तों कितना होता है? 7 होता है। चलिए दोस्तों इसके आगे हम थोड़ा सा जानते हैं आखिर ये है क्या दोस्तों। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी भी पासा की सिर्फ 3 ही सतहें दृश्य होती हैं। कितनी सतहें दोस्तों? सिर्फ हम 3 सतह देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये हमारा मानक पासा है कि साधारण पासा है। किसी भी 2 अंकों को जोड़िए दोस्तों, अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो आपका साधारण है, नहीं तो मानक है दोस्तों। 2 और 4 कितना होता है? 6 होता है। 4 और 6 दोस्तों कितना होता है? आपका 10 होता है। 6 और 2 कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। और संख्या आपस में 2 ही जोड़ना है दोस्तों। क्या कहीं पर 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों जोड़ने पर 7 नहीं होता है तो दोस्तों वो क्या होता है? तो दोस्तों वो हमारा मानक पासा कहलाता है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। चलिए एक पासा और हम बना दे रहे हैं। अब आपको बताना है ये पासा कौन सा पासा है। 2, 5 दोस्तों यहाँ पर 3 है दोस्तों, यहाँ पर 5 और 2 दोस्तों कितना हो गया? 7 हो गया ना। अगर 7 हो गया दोस्तों तो 7 से क्या होता है? 7 से दोस्तों साधारण पासा होता है। हाँ दोस्तों बिल्कुल आसान है। अगर 7 हो गया दोस्तों को जोड़ने पर तो साधारण होता है, नहीं हुआ तो दोस्तों मानक पासा कहलाता है। चलिए देखते हैं, फिर से ध्यान से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई और संख्या लिख लेते हैं, 1, 2, 3 दोस्तों। ये कौन सा पासा है? किसी को जोड़िए 3, 2, 5, 3, 1, 4, 2, 1, 3 7 कहीं भी नहीं हो रहा है ना दोस्तों। मतलब ये कौन सा पासा है? ये आपका मानक पासा है।
दोस्तों एकदम बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमने एक पासा बना लिया टेम्परेरी बेस पे, दोस्तों यहाँ पर ले लिया हमने 4 2 3। अब आखिर आप बता सकते हैं दोस्तों कौन सा पासा है? 4 2 6। अच्छा जी, 4 3 कितना होगा? 7 होगा। बहुत सही, ये दोस्तों अगर हमें जोड़ने पर 7 हो गया, मतलब कि ये आपका साधारण पासा है। आपने मानक पासा पहचान लिया, साधारण पासा पहचान लिया। अब दोस्तों देखते हैं सिंगल पासा पे पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने हैं। अब दोस्तों देखिए, बस आपको टाइप वाइज कवर करना है, एक एक टाइप बिल्कुल आसानी से पूरी तरह से सेट हो जाएगा। टाइप फर्स्ट की दोस्तों हम बात करते हैं। टाइप फर्स्ट है दोस्तों आपका जो रहेगा, जब दोस्तों क्या हो, पासे की संख्या दोस्तों कितनी हो, पासे की संख्या एक हो, मतलब कि जब पासा सिर्फ एक ही दिया गया हो। इसके आगे नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जब पासा दो हो, फिर पढ़ेंगे जब पासा तीन हो, फिर पढ़ेंगे जब पासा तीन से बहुत अधिक हो। दोस्तों बिल्कुल आसानी से हम कवर कर लेंगे सारे टाइप जितने एग्जाम में हमारे आने हैं। तो दोस्तों चलिए, पासे की संख्या एक हो, यहाँ पर कुछ कंडीशंस है दोस्तों, आपको कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि स्थितियाँ हैं। दोस्तों मानक पासा होता है और दूसरा क्या होता है, साधारण पासा है। आप दोस्तों इसको चाहे याद कर लीजिए। दोस्तों कुछ चीज़ें होती हैं आपको समझना पड़ेगा, अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा दोस्तों मानक पासा। और हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपको सोचो कि कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, कोई ऐसी कोई बाबा है कोई ऐसी ट्रिक बता दे सब कुछ ख़त्म हो जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना से सुकून से किसी एक यूट्यूबर का वीडियो पकड़िए और कंटिन्यू देखिए, आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आप सोचिए कोई शॉर्टकट है, शॉर्ट ट्रिक में देख के पूरी रीजनिंग और मैथ खत्म करते, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको समझते चलना है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं। चलिए, मानक पासा में दोस्तों आपको पता है इसका योग, दो अंकों का योग दोस्तों कितना, दो अंकों को जोड़ने पर दोस्तों 7 नहीं होता है। यहाँ पर दोस्तों किसी भी दो संख्या को जोड़ने पर कितना होता है, 7 यहाँ पर हो जाता है। इतना समझ में आ गया दोस्तों, आपको करना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कंडीशन ये है कि जब हमारा दिया गया पासा अगर दोस्तों मानक पासा होता है, क्या होता है, मानक पासा होता है, तो दोस्तों किसी भी संख्या का पूछे तो उसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें। या फिर सिंपल सा दूसरा तरीके से, मानक पासा में अगर किसी भी संख्या का विपरीत पूछता है तो हमेशा क्या करेंगे, उस संख्या को हम 7 से घटा देंगे। क्या करेंगे, 7 से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि इसका योग 7 नहीं होता है, ये समझिएगा। अब दोस्तों पहली कंडीशन, दूसरा दोस्तों अगर साधारण है, दोस्तों कौन सा पासा है, साधारण है, दोस्तों आपको करना क्या है, अगर पासा साधारण पासा है तो किसी भी अंक के दोस्तों क्या करेंगे, किसी भी अंक का विपरीत, दोस्तों किसी भी अंक का विपरीत सारे छिपे हुए अंक माने जाते हैं, सारे छिपे हुए अंक माने जाते हैं। दोस्तों यही उनका आंसर होगा। नहीं समझ में आया ना दोस्तों, समझ सकता हूँ। चलिए देखिए, इसको मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और है क्या और पेपर में किस बेस पर हमें सिंगल पास हवाला करना है। एग्जांपल में दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दोस्तों यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया, ये आपका एक डाइस है। दोस्तों इतनी अच्छी आर्ट तो मेरी है नहीं, फिर भी टेढ़ा मेढ़ा तो बना ही लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है 2 4, दोस्तों यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछेगा 2 के विपरीत बताना है। दोस्तों किसके विपरीत बताना है, 2 के विपरीत कौन सा डिजिट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर पासा एक ही है, मैं पहले पासे की टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे टाइप में नहीं चले जाना। तो दोस्तों आपको पहचानना है पहले ये पासा कौन सा है। दोस्तों ये पासा कौन सा है, जोड़ने पर 7 नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका दोस्तों कैसा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासा अगर दोस्तों है तो किसी का भी विपरीत पूछे दोस्तों उसे हम 7 से घटा कर आंसर देंगे। 2 का पूछ रहा है दोस्तों, तो 7 माइनस कितना 2, दोस्तों आंसर कितना आ गया आपका एग्जैक्टली
पाँच आएगा, किसी का भी दोस्तों पूछ सकता है, एकदम आराम से आप देख सकते हैं, चाहे दोस्तों वो दिखे और चाहे ना दिखे बिल्कुल घबराइए नहीं। दोस्तों अगर आपसे छः की विपरीत इसी में पूछ लेता तो दोस्तों ये पासा कौन सा है, आपको पता है मानक पासा है, मानक पासा दिया गया तो दोस्तों कितने से घटाएंगे, सात से घटाएंगे, तो सात माइनस छः कितना आ गया दोस्तों एक, देखा ना दोस्तों कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। बस आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आपको समझते चलना है, कुछ कंडीशंस हैं थोड़ा सा दिमाग में रखना ही पड़ेगा दोस्तों, जब आपने इंटरव्यू इतनी सारी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद कर लिए तो छोटी सी बात आप लोगों के लिए आप 100% कर जाएंगे दोस्तों। चलिए तो दोस्तों कंडीशन फर्स्ट आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई कि अगर मानक पासा है दोस्तों तो किसी का भी पूछे उसे हम सात से घटा देंगे। अच्छा दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो अब हमारा साधारण पासा की जगह मानक पासा की जगह साधारण पासा हो। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं हम कि यहाँ पर दिया है आपका दो पाँच चार। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दो के विपरीत। अब दोस्तों आपको समझना है सबसे पहले ये पासा कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, पाँच दो कितना हो गया, सात हो गया, सात हो गया मतलब साधारण हो गया। हाँ दोस्तों साधारण हो गया। अब साधारण में दोस्तों हमने क्या कहा है, सारे छिपे हुए अंक माने जाते हैं। अब आपको सारे छिपे हुए कौन से होते हैं देखना है कि पासा में कितने अंक होते हैं, एक एक दो तीन चार पाँच, सिर्फ छः ही डिजिट होते हैं, छः होते हैं। तो दोस्तों देखिए दो के विपरीत कौन सा, अब दो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से छिपे हुए हैं, तो दोस्तों आपका दो भी दिख रहा है और दोस्तों चार भी दिख रहा है और पाँच भी दिख रहा है, तो आपका दोस्तों दो के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका एक बचा, तीन बचा, छः बचा। दोस्तों ये आपके तीनों आंसर है, या तो एक, या तो तीन, या तो छः। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। नहीं समझ में आया दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन सोल्व लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, जैसा कि आपका ये पासा दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका एक पासा हम बना दे रहे हैं दोस्तों, चार दो तीन। जैसा दोस्तों दो संख्याओं को जोड़ने पर दोस्तों आपका सात हो गया, सात हो गया मतलब हो गया साधारण पासा हो गया। और दोस्तों आपको याद रखना है, अगर साधारण पासा है सात से साधारण, सात से सारे छिपे हुए अंक, मतलब जो नहीं दिख रहे हैं वही हमारे आंसर माने जाएंगे। अगर मानक होता तो सात से घटा देते, साधारण है दोस्तों। क्या यहाँ पर अगर पूछ ले कि तीन के विपरीत, तो देखिए क्या नहीं दिख रहा है, एक तो एक नहीं है और दोस्तों दो है, तीन तो है ही है, चार भी है, पांच है और छह है। दोस्तों ये आपका हो गया आंसर, किसी का भी पूछ लिया दोस्तों। और छिपे हुए का तो फिलहाल पूछेगा तो उल्टा बताएंगे, अगर चार का पूछ लिया दोस्तों तो इसका हो जाएगा वही, एक हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, बिल्कुल एकदम 100% करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों आपको मैं चार क्वेश्चन दोस्तों मैं उम्र के देता हूँ, अगर आप वास्तव में दिल लगा के पढ़ रहे हैं दोस्तों तो ये मेरे चार पाँच क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाँ दोस्तों छह क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, आराम से लगाइए। अगर आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका जो पासा है ना, या जो भी चैप्टर से रीजनिंग या मैथ है, बहुत ही अच्छे से आप कवर कर लेंगे दोस्तों। हाँ दिल लगा के पढ़िए दोस्तों, रीजनिंग और मैथ बहुत ही अच्छा एक खेल है, बिल्कुल घबराइए नहीं, आराम से करते रहिए, हंसते खेलते दोस्तों आप रीजनिंग मैथ आप सीख लेंगे, बिल्कुल ही घबराना नहीं है आपको। और हाँ दोस्तों आप रेगुलरिटी आप बना के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोस्तों मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और आपको इनको बिल्कुल अच्छी तरह से क्या करना है दोस्तों, हल करना है दोस्तों। ये हो गया आपका वन टू और सिक्स है दोस्तों, यहाँ पर आपके छः क्वेश्चंस दिए गए, अभी तो फिगर है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको चार के विपरीत बताना है, यहाँ पर दोस्तों पाँच के विपरीत बताना है, यहाँ पर आपको तीन के विपरीत बताना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक के विपरीत बताना है, यहाँ पर दोस्तों आपको छः के विपरीत बताना है, यहाँ पर दोस्तों दो के विपरीत बताना है। दोस्तों ये छः क्वेश्चन है आपको, आई होप आप लोग आंसर जरूर देंगे दोस्तों। और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से दोस्तों शेयर करें और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।